करते हैं विपिन। हेमंत सरकार एक के बाद एक जो फैसले ले रही है उससे कहीं ना कहीं हर्ष उल्लास उत्साह का माहौल है। आज के कैबिनेट के फैसले के बाद भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण निर्णय जो आज के कैबिनेट की बैठक में जो उसकी सरकार ने मंजूरी दी है, जिस तरीके से लगातार झारखंड में और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो बातें कही जाती थी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय की जाए, तो उसको लेकर झारखंड की सरकार ने आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि जिस व्यक्ति के पास झारखंड में 1932 का खतियान है या फिर उनके किसी पूर्वजों का नाम उससे 1932 के खतियान में या उससे पूर्व के खतियान में है, तो ऐसे लोगों को झारखंड का स्थानीय माना जाएगा, यहाँ के स्थानीय का लाभ वो उठा सकेंगे। इसके लिए विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये विधेयक अब जब विंटर सेशन आएगा झारखंड विधानसभा का तो उसमें रखा जाएगा। इसके अलावा जो आरक्षण को लेकर बात कही जा रही थी सारी, उसमें भी झारखंड में आरक्षण का स्लैब आज के जो विधेयक को मंजूरी झारखंड कैबिनेट ने दी है उसके बाद ये 70% हो जाएगा, यानी कि एसटी को आरक्षण अब यहाँ पर 28% मिलेगा, एससी को आरक्षण 12% मिलेगा और जो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात कही जा रही थी उसे 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय झारखंड की सरकार ने लिया है। इसके लिए भी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि दोनों विधेयकों को अब विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र के पास रूल लाइन में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय जिस पर की सबकी नजरें थी कि ओबीसी आरक्षण और स्थानीयता को लेकर झारखंड की सरकार क्या कुछ करती है, जिस तरीके से 1932 के खतियान को लेकर लगातार बातें हो रही थी उस पर आज सहमति हो गई है कैबिनेट की, यानी कि झारखंड में 1932 के खतियान में जिसका नाम हो या फिर उससे पूर्व के खतियान में जिनके पूर्वजों का नाम हो उसे सरकार स्थानीय मानेगी और उसे ही यहाँ पर स्थानीयता का लाभ मिलेगा। सारिफ, स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए लंबी बहस भी हुई, लंबी राजनीति भी झारखंड में हुई है, साथ ही साथ ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए भी सियासत हुई है विपिन। तो क्या अब इस फैसले के बाद, ऐतिहासिक फैसला ही अगर इसे कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद उन तमाम जो लोग हैं जो इस मुद्दे पर सियासत कर रहे थे उनकी दुकानें अब बंद हो जाएंगी? जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा कदम झारखंड की सरकार ने उठाया है। जिस तरीके से विगत 3 कैबिनेट से लगातार जो सौगातों की बारिश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट दे रही है, चाहे पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश की बात करें, ओल्ड पेंशन की बात करें, जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बात करें, उसके अलावा जो सहायक पुलिसकर्मी है उनकी बात करें, पूर्व में जिस तरीके से पेंशन को लेकर जो योजनाएं शुरू की गई थी और उसके बाद ये दो निर्णय जो झारखंड की सरकार ने लिया है, यह झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक स्थानीयता को लेकर 1932 के मुद्दे पर लगातार यह बातें आती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था, अभी एक दिन का जो विशेष सत्र जिसमें सरकार ने बहुमत साबित किया था उसमें भी इन बातों का जिक्र किया गया था कि हम बहुत जल्द ओबीसी आरक्षण और स्थानीयता को लेकर भी नीति बनाएंगे, उस ओर आज कैबिनेट ने अपना जो प्रस्ताव जो कैबिनेट में लाया गया था, यूं तो कुल 43 प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किए हैं, लेकिन ये जो दो प्रस्ताव सरकार ने यहां पर पारित किए हैं, ओबीसी आरक्षण को जो 14% से बढ़ाकर 27% करने का और स्थानीयता के लिए 1932 का जो खतियान है उसको बेस पॉइंट बनाकर सरकार ने एक बड़ा मैसेज यहां से दिया है। जी सर, जी जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश दिया गया। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।